अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ और वो लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ। इस महीने सलामती काउंसिल की जो सदारत है वो इंडिया के पास है और वहाँ पर जो ममालिक हैं इस्तोनिया, नॉर्वे, चीन, बरतानिया, उनके नुमाइंदों ने तो खिताब किया ही, लेकिन अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जो नुमाइंदा खसूसी हैं वो कैनेडियन सफारतकार हैं डेबरा लियोन्स, उन्होंने काबुल से वीडियो लिंक पर खिताब किया और उन्होंने कहा कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, तालिबान अपने तमाम वादों से फिर गए हैं, अक्वामे मुत्तहिदा के कंपाउंड पे हमले कर रहे हैं, अकलियतों पे, औरतों पे, और वार क्राइम्स जो है वो कमिट कर रहे हैं और अब जो है वो हमें सख्ती करनी होगी इन पर। और यहाँ तक उसने कहा कि हमें ये करना होगा कि ये जो तालिबान जो लीडर्स जो सारी दुनिया में घूम फिर रहे हैं इनकी जो सफरी जो सहूलतें हैं उनको मशरूत करना होगा कि ये हरकतें बंद करें। तो अभी जो है वो एक बंद कमरे में इजलास हो रहा है जिसके अंदर ये फैसला साजी होनी है। हमारे बिल्कुल आपने जो मैं बात कह रहा हूँ उसको सपोर्ट किया है कि इंटरनेशनल ओपिनियन जो है अब टफ होने जा रहा है, हार्ड होने जा रहा है, बिकॉज वो जो पीस निगोसिएशंस थे तालिबान हट गए, हर चीज से हट गए। और अभी जो ये जो कुछ अटैक्स हुए हैं शहरों के ऊपर, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अमेरिका और यूएन और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से गनी की हुकूमत ने कैदी थे उनको छोड़ा, वो अब काउंटर अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काउंटर प्रेशर आ रहा है। अब यूएन में तो बड़ी वाजे तौर पे कर दिया है, इंडिया इस महीने लेके बैठा हुआ है यूएन को और वो तो पूरा अपना प्रेशर यही रखेगा, गनी का प्रेशर है और अब तुर्की भी उधर जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना अब बहुत सख्त मुश्किलात में आया है। आज आपने देखा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों पेशावर गए हैं वहाँ मार्टर्स शहीदों के उस पे। तो मगर ये पहले तो मैंने नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोर हेडक्वार्टर का विजिट किया है, वहां पर उनको ब्रीफिंग दी गई है, कोर हेडक्वार्टर्स में गए, ब्रीफिंग दी गई और फिर वो कुछ रीथ्स भी लेखी हैं ऑन मार्टर्ड सोल्जर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अहम ट्रिप थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों गए हैं। मेरा ख्याल है अब ब्रीफिंग जो है केपी, पहले फाटा, अब फाटा केपी हो गया, तो केपी के लिए नए हदायत और नए स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल मेजर्स कि वहाँ अब क्या होगा, क्या नहीं होगा और कैसे मूव करना और कैसे नहीं मूव करना, तो उसके लिए तैयारियां अब यहाँ भी शुरू हो गई हैं कि अब फॉल आउट जो है जिसकी हम काफी अरसे से बात कर रहे हैं कि फॉल आउट पाकिस्तान पे क्या होगा, ब्लो बैक क्या होगा, अब मेरा ख्याल है कि उसकी तैयारियां हो रही हैं क्योंकि वो अब होने वाला है। जी बिल्कुल, फॉल आउट और जो पुश बैक है वो उसका मसला बन रहा है। अच्छा सेठी साहब, आखिरी हमारा टॉपिक और आखिरी सवाल आपसे आज शाम, और वो है पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात। मुईद यूसुफ साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को कह दिया कि बाइडन कॉल नहीं कर रहा हमारे वजीर आजम को, बाद में फिर उसकी कुछ इधर उधर तौजीहात पेश की गई। इसके बाद ये दौरा भी आपने इसका पहले जिक्र भी किया, जाहिर बात है इस तरह की क्लासिफाइड मीटिंग्स जो होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन शेयर तो नहीं होती, मगर ये कि ये इस वक्त एक रियलिटी बनती जा रही है कि ट्रांजैक्शनल जो रिश्ता है वो तो बरकरार है, मिलिट्री टू मिलिट्री, इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस, लेकिन जो एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट होती है वो पाकिस्तान से बिल्कुल इस वक्त कटी हुई है। मतलब इसमें कोई साफ साफ बात करनी चाहिए, यू नो, विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स, बाइडेन ने कॉल करा, स्टेट डिपार्टमेंट की कोई इंगेजमेंट है सच नहीं है, कोई हैवी किस्म की, थोड़ी बहुत पप्पा जो होती है सतही किस्म की वो है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट एलाइज हैं, तारीख है हमारा, ट्रेडिंग उनसे एक बड़ा अहम रिश्ता है अमरीकियों से, अफगानिस्तान के मामलात है वगैरह वगैरह, बड़ी लंबी लिस्ट है। ये कहाँ जा रहा है और इसको क्या संभाल पाएंगे? मुझे और मोर स्पेसिफिकली लेट मी बी वेरी डायरेक्ट, क्या जनरल बाजवा जो कि एक जियो इकोनॉमिक्स का विजन लेकर आगे चले हैं या चलने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो ये रिश्ता मेंड कर पाएंगे और उसके लिए उनको क्या ऐसे डोमेस्टिक
वो एलिमेंट्स चाहिए होंगे कि जिससे कि अमेरिका के साथ रिश्ता ठीक हो जाए। मुझे पता लोग बड़ा त्रास करेंगे कि मैंने क्यों उनका जिक्र किया। देखिए मैं सिर्फ रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इमरान खान साहब भी है, फॉरेन ऑफिस भी है, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम सबको पता है कि कौन इस मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाता है और चलाता है। जी सेठी साहब, देखिए मैंने दो चीजें टेक अवेज की हैं, कंक्लूजंस पे मैं आया हूं आफ्टर दिस विजिट। एक तो ये कि अमेरिका की तरफ से बिल्कुल मुख्तसर बयान आया, यहाँ मीटिंग हुई है, बड़ी टफ बातें हुई हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। मुईर यूसुफ साहब कहते हैं बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, बड़ी सब्सटेंशियल बातें हुई हैं, हम बड़े खुश हैं, हमारी बात सुनी है उन्होंने या वो हम सुना के आए हैं अपनी बात। तो फिर जो मैंने थोड़ी सी तफ्तीश की, तो ये बात क्या समझा के आए या इनका क्या ख्याल है, ये क्या उनको कहने गए थे जो कि शायद उन्होंने सुन लिया, वो ये कि जो भी अमेरिका कर रहा है वहां या करना चाहता है वो पाकिस्तान को साइडलाइन करके करने की कोशिश ना करे, हमें फ्रंट पे रखे, अगर हमें बाईपास किया या इग्नोर किया तो सबका नुकसान हो जाएगा और हमें कोर जो है ना थ्रस्ट में रखा जाए, क्योंकि हम अफगानिस्तान को जिस तरीके से जानते हैं और जो हमने कुर्बानियां दी हैं वो और उसको उस तरीके से कोई नहीं जानता और किसी ने ऐसी कुर्बानियां नहीं दी। मतलब ये है कि आप कोई तालिबान के बारे में ऐसा फैसला ना कर लें जिसके साथ पाकिस्तान के ऊपर साया आ जाए और हमें फिर ऐसे फैसले करने पड़े टू बी विद यू और नॉट टू बी विद यू। हम ना तालिबान के साथ हो सकेंगे ना आपके साथ हो सकेंगे, हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो आप जो भी फैसला करते हैं हमारे साथ बैठ के करें, फिर हम मुश्तरका फैसले के बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमें आगे रखें, आप पीछे ना रखें, साइड पे ना रखें। तो अब पता नहीं अमरीका ने ये बात समझी है या नहीं समझी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि तालिबान को आप कंट्रोल करें जिस हद तक कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम करेंगे जो हम करेंगे और हमें पता है वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने इशारा तो कर ही दिया है कि वो जा नहीं रहे हैं, रीपोजिशन कर रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा था वो एयर कॉरिडोर मांग रहे हैं और अगर आप नहीं देंगे तो वो वैसे ही इस्तेमाल कर लेंगे, फिर तो आपके तल्लुकात बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, यहाँ तो इनकलाब आ जाएगा, यहाँ तो शोर पड़ जाएगा, ये गवर्नमेंट नहीं बच सकेगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब मिलके किया जाए। मगर जो आप आगे बात आ रही है ना वो सीधी सी है, तालिबान को कंट्रोल करें, अगर नहीं कर सकते तो रास्ते से हटें। और अगर ये सिचुएशन आ रही है और तालिबान आपकी बात नहीं सुन रहे तो फिर अमेरिका भी आपकी बात नहीं सुनेगा, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपकी बात नहीं सुनेगी और ये बहुत मुश्किल फैसले आपकी टेबल पे आके रख दिए जाएंगे और अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ चीजों तो वैसे ही हो जाएंगी। तो मैं ये समझ रहा हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि आपको फैसले करने पड़ेंगे, यू आर हेयर और यू आर देयर। प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि जो लोग अफगानिस्तान में हैं और जो फोर्सेस अफगानिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिश्ड है वहां, वो कोई प्रो पाकिस्तान फोर्सेस नहीं है। प्रॉब्लम हमारे, और अगर वो हावी हो जाती हैं या वो तालिबान फारग हो जाते हैं या तालिबान को डिफीट हो जाती है बिकॉज ऑफ अमेरिकन इंटरवेंशन या पाकिस्तानी इंटरवेंशन और वो मजबूत हो जाते हैं तो वो भी हमारे खिलाफ जाएगी बात। और अगर तालिबान जो है इस तरीके के साथ धंधनाते हैं और शहर लेते हैं और लगता है ऐसे है कि जब 6 महीने के अंदर अंदर फारग हो रहा है तो अमेरिका इंटरवेंशन करेगा ही करेगा, वाया बमबारी करेगा और भी बहुत कुछ करेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुईर यूसुफ साहब और इसीलिए गए थे और DGISI गए थे, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसीलिए हमें पूरी डिटेल नहीं बताई जा रही बिकॉज एक्चुअली काफी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं।